Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will discuss example 9.18. This example is similar as example 9.17, which we have discussed in our previous video. So you can also check out that video. So here it is given that x and y are independent normal variate possessing a common mean mu such that. So यहाँ पे बोल रहा है कि mean जो है वो दोनों का ही common है. तो हम लोग ये ले सकते हैं, x follow कर रहा है normal distribution, कॉमन मीन है तो मीन हम लोगों ने म्यू सपोज कर लिया एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर सपोज कर लिया. देन y भी हमारा फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे मीन हम लोगों ने इसका म्यू ले लिया एंड वेरिएंस ले लिया इसका सिग्मा 2. सो यहाँ पे हमें देखिए कुछ कंडीशंस गिवन है प्रोबेबिलिटीज के फॉर्म में, और हमें कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ म्यू एंड द रेशियो ऑफ वेरियंसेज ऑफ एक्स एंड वाई. सो म्यू की वैल्यू हमें फाइंड करना है और इनके वेरियंसेज का जो रेशियो है वो हमें फाइंड करना है. सो ये क्वेश्चन जो है ये सिमिलर पैटर्न पे है जैसा इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं. तो अब देखिए, हमें देखिए ये जो इनइक्वालिटी गिवन है, तो पहले हम लोग इनइक्वालिटीज लिख लेते हैं. प्रोबेबिलिटी 2x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 10, देन प्लस प्रोबेबिलिटी 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 1. देखिए ये है, और सेकंड जो हमारा इनइक्वालिटी जो गिवन है वो है हमारी प्रोबेबिलिटी 2x माइनस 4y इज लेस देन इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी y माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1. तो सबसे पहले तो देखिए काम हम लोग ये करेंगे कि जो हमारे ये वैल्यूज गिवन है इनका हम लोग पता लगा लें कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. तो हमें थोड़ा सा ईजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना. तो यहां से आप लोग देख सकते हैं 2x प्लस 4 है, तो अगर हम लोग इस पे एक्सपेक्टेशन ऑपरेट करेंगे तो 2 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस 4 हो जाएगा. तो इसका मतलब ये देखिए ये हमारा फॉलो करने लगेगा नॉर्मल. यहाँ पे ये देखिए ये y भी है, तो ये देखिए ये फॉलो करेगा हमारा नॉर्मल 2 म्यू प्लस 4 म्यू. अब इसी तरह से जब हम लोग वेरियंस ऑपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 वेरियंस ऑफ x प्लस 4 वेरियंस ऑफ y, एंड जो इसका कोवेरियंस टर्म है वो जीरो हो जाएगा बिकॉज क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x और y जो है वो हमारे इंडिपेंडेंट है. तो यहां से देखिए हो जाएगा 4 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस 16 सिग्मा 2 स्क्वायर. तो यहां से ये हमारा, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा नॉर्मल विद मीन 6 म्यू एंड वेरियंस 4 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस 16 सिग्मा 2 स्क्वायर. तो ये देखिए ये आप लोगों को यहां से ये दिख रहा होगा. अब देखिए मैं यहां से क्या कर दूंगी, अब मैंने इसका निकाला है तो सेम पैटर्न पे इसका इसका और इसका इन सभी का मैं निकाल लूंगी. तो देखिए 2x प्लस y जो है वो आपका फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन 4 म्यू एंड इसका जो वेरियंस है वो क्या हो जाएगा 9 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर. अब सिमिलरली 2x माइनस 4y, तो 2x माइनस 4y भी आपका फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन हो जाएगा माइनस 2 म्यू एंड वेरियंस हो जाएगा 4 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस 6 सिग्मा 2 स्क्वायर. अब सिमिलरली y माइनस 3x जो है वो भी आपका फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जिसका मीन हो जाए वो हो जाएगा 2 म्यू एंड वेरियंस हो जाएगा 9 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर. ना अब आप लोग यहां से देख सकते हैं कि देखिए इस टर्म का जो आपका वेरिएंस आ रहा था वो आपका क्या था, 4 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस 16 सिग्मा स्क्वायर, एंड ये देखिए 4 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस 16 सिग्मा स्क्वायर. तो क्यों ना हम लोग इसको कोई वैल्यू लेट कर लें और हम लोग उसको मान लेंगे कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस 16 सिग्मा 2 स्क्वायर. सिमिलरली आप लोग देख सकते हैं कि ये वैल्यू एंड ये वैल्यू दोनों ही सेम है, तो इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं बीटा स्क्वायर इज 9 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, बिकॉज ये करने से हम लोगों का कैलकुलेशन जो है तो वो हमें थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा बिकॉज ज्यादा वैल्यूज होती हैं तो ये रहता है कि कैलकुलेशन में हम मिस्टेक कर सकते हैं. ऐसे सपोज करने से हम उसकी मिस्टेक से थोड़ा सा बच जाते हैं. तो अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोगों ने अगेन इनइक्वालिटी सब्स्टिट्यूट कर दी. तो देखिये यहां से क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 10 प्लस प्रोबेबिलिटी 3x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 1. अब देखिए हम लोग, पता है हम लोगों को कि ये एक कोई भी वेरिएबल है, अब आप लोग इसको u लेट कर सकते हो, इसको v भी लेट कर सकते हो. तो इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में. तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन से एंड डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा z में.
देन लेस देन इक्वल टू, आपको पता है कि ये जो टर्म है आपका 2x प्लस 4y, ये आपका फॉलो कर रहा था नॉर्मल विद मीन 6 म्यू, तो हम लोग देखिए इसका जो मीन है 6 म्यू उससे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो था वो हम लोगों ने अल्फा सपोज किया था अल्फा स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर से हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया। अब सिमिलरली ये जो था आपका ये फॉलो कर रहा था विद मीन 9 म्यू, तो देखिए जब इसको मीन से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड करेंगे तो ये आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट हो जाएगा, देन 9 माइनस 4 म्यू हो जाएगा और उसको जब हम लोग इसके स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास बीटा। तो देखिए इसको अगर हम लोग भेज दें हमारा राइट हैंड साइड तो देखिए ये क्या हो जाएगा, जेड इज लेस देन 10 माइनस 6 म्यू अपॉन अल्फा, देन ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जेड इज लेस देन इक्वल टू 9 माइनस 4 म्यू अपॉन बीटा। देन आप लोग देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी जेड इज ग्रेटर देन 9 माइनस 4 म्यू अपॉन बीटा। अब देखिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस की थी प्रॉपर्टी कि अगर प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन a कुछ इस तरह की होती है तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं b इज इक्वल टू माइनस a के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे सेम वैसे ही इनइक्वालिटीज आ रही है तो इस टर्म को इसके माइनस के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या लिख लेंगे 10 माइनस 6 म्यू अपॉन a इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 4 म्यू अपॉन बीटा, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए ये हमारी आ जाती है एक इक्वेशन वो जो कि किस फॉर्म में है म्यू अल्फा एंड बीटा के फॉर्म में है, तो ये आप लोग मान सकते हैं कि इक्वेशन वन है। अब देखिए सेम पैटर्न पे जो हमारी सेकंड इनइक्वालिटी गिवन है ये, तो इसको भी हम लोग सेम पैटर्न जैसे हम लोगों ने ये फॉलो किया है सेम इसी पैटर्न पे हम लोग फॉलो करेंगे और लास्ट की जो हमारी इनइक्वालिटी आएगी तो वो देखिए वो इनइक्वालिटी कुछ इस तरह की आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी z is less than equal to 6 plus 2 mu upon alpha is equal to probability z is less than equal to 1 plus 2 mu upon beta। अब देखिए ये कैलकुलेशन जो है सेकंड इसके लिए वो आप लोगों को करना है, आप लोग करेंगे तो उससे आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए कुछ इस तरह का फॉर्म आ रहा है, पहले तो देखिए आपका इनइक्वालिटी का साइन कुछ इस तरह से था, ये आपका है लेस देन में एंड ये है आपका ग्रेटर देन में, बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों का दोनों तरफ ही लेस देन एंड लेस देन में आएगा, तो इस सिचुएशन में आप हम क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन में आप लिख सकते हैं दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। देखिए जब ऐसा होता था तो हम लोग इसका साइन माइनस लेके चलते थे बी इज इक्वल टू माइनस ए, बट अगर आपका इस तरह का आ रहा है तो इसको आप लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस 2 म्यू अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 म्यू अपॉन बीटा, इसमें आप लोगों को माइनस साइन लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो देखिए ये यहां से आ जाती है आपकी सेकेंड इक्वेशन, तो अब देखिए यहां से आप लोग देखिए अगर हम यहाँ पे अल्फा अपॉन बीटा का रेशियो निकाल लें और यहां से भी अल्फा अपॉन बीटा का रेशियो निकाल लें और इन दोनों को इक्वेट कर दें तो यहां से हमारी देखिए वैल्यू क्या आ जाती है, अल्फा अपॉन बीटा जब हम लोग यहां से करेंगे तो देखिए यहां से आ जाता है हमारा 6 प्लस 2 म्यू अपॉन 1 प्लस 2 म्यू, ये देखिए अल्फा अपॉन बीटा करेंगे तो यहां से 6 प्लस 2 म्यू अपॉन 1 प्लस 2 म्यू आ जाएगा, देन यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां से हमारा आ जाएगा 10 माइनस 6 म्यू अपॉन 4 म्यू माइनस 9। अब देखिए इन इस इक्वेशन को अगर इस इन दोनों को हम लोग एक एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो वो पूरी इक्वेशन आपकी म्यू के फॉर्म में आ जाएगी जो कि होगी 5 म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो यहां से म्यू की वैल्यू आपको 2 एंड माइनस 1.6 अपडेट हो जाएगी। अब देखिए आपको म्यू की वैल्यू फाइंड हो गई है तो म्यू की वैल्यू अगर हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी अल्फा और बीटा के फॉर्म में, एंड अल्फा और बीटा को हम लोगों ने लिया था सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 के फॉर्म में, तो यहां से आप लोग देखिए जब हम लोग म्यू की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पे तो ये कुछ आ जाएगा अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू 2, तो अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू हमारी आ जाती है 2, तो अल्फा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर अगर हम लोग निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। अब आप लोगों को ये पता है कि देखिए मैंने अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर यहाँ पे क्यों किया, बिकॉज हमने यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर को ये मान रखा है, तो देखिए जब मैंने अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 किया तो मैं यहीं पे आपको बता दे रही हूँ। अब देखिए अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर की जगह आप लोग लिख सकते हैं 4 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस 16 सिग्मा 2 स्क्वायर, अपॉन बीटा स्क्वायर में आप लोग लिख सकते हैं 9 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली हुई है 4, तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोग की एक इक्वेशन
इक्वेशन के फॉर्म में आ गई है। अगर देखिए यहाँ से हम लोग ये करें कि पूरी इक्वेशन को अगर हम लोग यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में भी सिग्मा वन से डिवाइड कर दें, नीचे भी सिग्मा वन से डिवाइड कर दें, तो ये इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह की हो जाएगी, सिग्मा टू स्क्वायर अपॉन सिग्मा वन स्क्वायर, जिसको हम लोग लैम्डा सपोज कर लेते हैं, फिर हो जाएगी 9 प्लस सिग्मा टू स्क्वायर अपॉन सिग्मा वन स्क्वायर, जिसको हम लोग अगेन लैम्डा सपोज कर लेते हैं। तो यहां से हम लोग सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगी 8/3 आ जाएगी। सो देखिए लैम्डा की हमारी ये वैल्यू आ गई है। तो लैम्डा की ये वैल्यू कब आई है, जब हम लोगों ने वैल्यू जो म्यू की यूज करी थी वो हम लोगों ने 2 यूज करी थी। अब देखिए म्यू की वैल्यू -1.6 भी है, तो जब हम लोग -1.6 वैल्यू इसमें सबसे आ जाएगी 64/87। सो ये रहा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर। आई होप कि आप लोगों को ये प्रोसीजर समझ में आया होगा, और अगर आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।